हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लवण्या अपने हाथों में सब्जी लिए हाफते हुए घर आती है और उसे ऐसे आता देखकर उसकी माँ कविता उसे बोलती है, क्या हुआ, ऐसे क्यों भागती आ रही है? माँ, आप भी सुनेगी ना तो हंसते हंसते पागल हो जाएगी। मैं तो अच्छा भला सब्जी ले रही थी, तभी एक कुत्ता मुझे देखकर भौंकने लगा। उसे भौंकता देखकर मैं डर गई, मैं भागने लगी और वो कुत्ता मेरे पीछे भागने लगा। अच्छा ठीक है, अब जाकर अपना हुलिया बदल ले, लड़की की माँ सुमन तुझे देखने आ रही है। कौन सुमन? तेरी होने वाली सास। और हाँ, जब लड़के वाले तुझे देखने आए तो अपना ये रेडियो बंद रखना, बहुत बड़े घर से तेरे लिए रिश्ता आया है। इतना बोलकर कविता तैयारियों में लग जाती है। कुछ ही देर बाद में सुमन अपने बेटे अरमान के साथ में लवण्या को देखने आती है और उसे पसंद करके रिश्ता पक्का करके चली जाती है। सबके जाने के बाद लवण्या अपने कमरे में बैठकर खुद से बातें करती है, जिसे देखकर कविता उसके पास आती है और उसे बोलती है, सुन बेटा, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलिए ना। देख बेटा, तू बहुत भोली है या तो फिर बेवकूफ, इसलिए तुझे समझा रही हूँ। वहाँ अच्छे से रहना, क्योंकि अरमान और उसका परिवार थोड़ा सीरियस किस्म का है, तो इसलिए वहाँ जो भी बोलना सोच समझ कर बोलना। माँ, मैं सोच समझ कर ही बोलती हूँ, और वैसे भी मैंने कहीं पढ़ा था कि पहले सुनो तोलो फिर बोलो, इसीलिए मैं हर जगह सोच समझ कर बोलती हूँ। आप टेंशन मत लो, बस मेरी शादी की तैयारी करो। लवण्या का भोलापन और उसकी खुशी देखकर कविता उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलती। कुछ ही दिनों में अरमान और लवण्या की शादी हो जाती है। शादी की पहली रात को लवण्या अपने रूम में अरमान का वेट कर रही होती है, तभी उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल पर रखे हुए परफ्यूम पर पड़ती है, जिसे उठाकर वो अपने हाथों पर लगाकर उसे सूंघने लगती है। तभी अरमान रूम में आता है और ऐसे उसे अचानक आता देखकर उसके हाथों से परफ्यूम नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर अरमान बोलता है, सॉरी, मैंने आपसे बिना पूछे आपका परफ्यूम लगा लिया। मुझे पता है कि किसी से पूछे बिना उसकी चीजों को नहीं छेड़ना चाहिए। अरमान उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और अपना बिस्तरा लेकर वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन भी अरमान बिना लवण्या से कुछ भी कहे ऑफिस निकल जाता है। अरमान के जाने के बाद लवण्या अपने रूम में बैठकर टीवी में मूवी देखने लगती है, तभी उसकी सास उसके पास आकर उसे बोलती है, लवण्या बहू, मुझे तुमसे कोई बात करनी है, तो क्या मैं अंदर आ जाऊँ? हाँ माँ जी, वैसे आपको एक बात बताऊँ, इतने बड़े टीवी में मूवी देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे मैं हॉल में मूवी देख रही हूँ, और आप जब ऐसे कमरे के अंदर आई ना तो मुझे लगा कि टिकट चेक करने वाला आ गया। ओह, वैसे मैं मजाक कर रही थी, मुझे तो चुप रहना अच्छा ही नहीं लगता। अरमान और तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक है ना बहू? हाँ माँ जी, वो बस मैंने उनसे बिना पूछे उनका परफ्यूम लगा लिया था, इस बात को लेकर थोड़े से नाराज है, पर आप चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। मुझे भरोसा है तुम पर। और एक बात और कहनी थी कि तुम उसकी बातों का बुरा मत माना करो, वो गुस्से में कुछ भी बोल देता है। नहीं माँ जी, मैं किसी की बातों का क्या बुरा मानूंगी, और वैसे भी उनकी बात का क्या बुरा मानना जिन्होंने अभी तक मुझे कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो अभी तक उनकी आवाज़ भी नहीं सुनी। वो ऑफिस का काम कुछ ज्यादा ही है ना, तो अक्सर वो ऐसे ही बिना बोले निकल जाता है, और रात को जब वो आए तो उससे बात करना तुम। जी माँ जी, तो फिर मैं आप मूवी देख लूँ? कविता लवण्या से बात करके वहाँ से चली जाती है, और रात को अरमान घर वापस आता है, जहाँ लवण्या उसे बोलती है, अच्छा सुनिए ना, मैं आपसे फिर से माफ़ी मांगती हूँ उस दिन के लिए, अब अपनी बीवी से इतनी भी क्या नाराजगी की आप बात ही नहीं कर रहे, वैसे भी मैंने अभी तक आपकी आवाज़ नहीं सुनी है, कहीं आप गूंगे तो नहीं है? मैंने देखा है कि अमीर घरों के लड़के गूंगे बहरे होते हैं और फिर गरीब घर की लड़कियों से शादी कर लेते हैं, और फिर बाद में पता चलता है कि वो तो गूंगा था। मैं गूंगा नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, सुन लिया तुमने? शुक्र है भगवान का, आप बोले तो सही, मुझे तो लगा था कि आप गूंगे हैं, अजीब अजीब से ख्याल आने लगे थे मेरे मन में। लवण्या की बकवास बातें सुनकर अरमान गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अगले दिन अरमान ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है,
और लवण्या उसको टाई बांधता देखकर उसे बोलती है, पता है आपको मुझे टाई बांधना बड़ा पसंद है, पर ये जो टाई में समोसा बनाना होता है ना, ये बड़ा मुश्किल है। पर देखो ना, आपने कितना अच्छा बनाया है, मुझे भी सिखा दीजिए ना। ये पकड़ो टाई और इसे अपने मुंह पर बांध लो। इतना बोलकर अरमान गुस्से में वहाँ से ऑफिस चला जाता है, जहाँ वो सारी बात अपने दोस्त अमन को बताता है। अमन सारी बात सुनकर हंसने लगता है और उसे हंसता देखकर अरमान बोलता है, यहाँ मेरी लगी पड़ी है और तुझे हंसी आ रही है। यार तुझे तो पता है ना कि मैं नीति से कितना प्यार करता हूँ, पर मेरी शादी जबरदस्ती लवण्या से हो गई। अगर नीति को पता चला तो यार मैं बुरी तरह से फंस चुका हूँ। देख भाई, तूने जितना मुझे भाभी के बारे में बताया है उस हिसाब से मुझे लगता है कि भाभी बहुत भोली है, इसलिए मेरी मान और सारा सच भाभी को बता दे। अमन की ये बात सुनकर अरमान कुछ सोचता है और घर आ जाता है। घर पर जाते ही अरमान फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाता है, तभी नीति का कॉल आता है जिसे लवण्या देख लेती है और अरमान के आते ही उससे बोलती है, ये नीति कौन है, उसका बार बार कॉल आ रहा था। तुमने बात तो नहीं की? नहीं नहीं, मैंने बात नहीं की। वैसे आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? मुझसे डरिए मत, सब कुछ सच सच बता दीजिए, मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी। वैसे कैसी दिखती है, मुझे फोटो दिखाएंगे उसकी? तुम पागल हो? तुम्हें सच में बुरा नहीं लग रहा कि तुम्हारे पति की गर्लफ्रेंड है और जिस लड़की की तुम बात कर रही हो वो शादी करना चाहती है मुझसे, समझ रही हो? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप जिससे प्यार करते हैं उससे शादी करना चाहते हैं। वैसे इतने बड़े घर में हम तीन ही तो लोग हैं, अगर शादी करके नीति भी इस घर में आ जाएगी तो घर कितना भरा भरा लगेगा। और आप टेंशन मत लो, हम सब एक साथ हंसी खुशी रहेंगे, मैं करवाऊंगी आपकी शादी नीति से। मुझे लगता है ये सब जानकर तुम पागल हो गई हो। लवण्या की बातों पर अरमान को यकीन नहीं होता और वो दूसरे रूम में चला जाता है। अगले दिन लवण्या सारी बात सुमन को बता देती है और अपनी सास को अपनी कसम देकर अरमान की दूसरी शादी के लिए राजी भी कर लेती है। ये सब देखकर अरमान भी नीति को फोन करके सारा सच बता देता है। ये सब सुनकर नीति उसे बोलती है, अरमान लावण्या भोली है, मैं नहीं, मैं अपनी खुशी के लिए किसी के भोलेपन का फायदा नहीं उठा सकती। पर लवण्या को इससे कोई एतराज नहीं है, और तो और उसने माँ को भी मना लिया और तुम हो कि मना कर रही हो। हाँ, क्योंकि हम गलत हैं और मैं अपनी खुशी के लिए किसी मासूम की खुशी नहीं छीन सकती। मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, पर क्या तुम्हें पता है अगर किसी लड़की का पति उसे छोड़ दे तो लोग उसे किस नजरिए से देखते हैं? तुम्हें नहीं पता, पर मुझे पता है क्योंकि मैंने देखा है अपनी माँ को जब मेरे पापा ने उन्हें छोड़ दिया था। और लवण्या एक भोली भाली लड़की है, उसका ख्याल रखना इतने मासूम लोग अब बहुत कम मिलते हैं। इतना बोलकर नीति अरमान का कॉल कट कर देती है और उससे हमेशा के लिए दूर हो जाती है। वहीं अरमान नीति के समझाने पर लवण्या को हमेशा के लिए अपना लेता है और उसके बाद वो लवण्या को अपने सर आंखों पर बिठा कर रखता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।